हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं स्लीव का एक और नया सा डिज़ाइन लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आई होप ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगा, तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने स्लीव्स के फैब्रिक को पहले से ही कट कर लिया है। अब हम इसके यहाँ पे कॉर्नर पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इस पर छोटी छोटी प्लीट्स भी डाल सकते हैं। ये कच्ची सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसके एक धागे को पकड़कर हम धीरे धीरे खींचेंगे इस तरह से, और जितने साइज की ये आपने स्लीव बनानी है हम उतने ही साइज तक इस स्लीव में चुन्नटे डाल लेंगे। तो मैं ये 10 इंच की अपनी स्लीव का ये रखना चाहती हूँ, तो मैं इतने ही इसमें चुन्नटे डाल रही हूँ। आप जिस साइज़ की स्लीव बनाना चाहते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी चुन्नटे डाल सकते हैं। ये मैंने चुन्नटे डाल ली हैं। अब हम एक और पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने 2.5 इंच रखी है, ये देखिए, और इसकी लंबाई आप अपनी स्लीव के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम इसको अपने स्लीव के फैब्रिक को उल्टा करके और इस तरह से इसके ऊपर रख कर, और जहाँ पे हमने ये चुन्नटे डालने के लिए सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हम इस पट्टी को सिलते जाएंगे। इस तरह से अटैच कर लेंगे इसके साथ। अब हमने ये सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको स्लीव के फैब्रिक को पलट कर और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे, और इस पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो इसमें कुर्ती के मैचिंग का फैब्रिक भी पट्टी के इसमें साथ जोड़ सकते हैं। मैंने कुर्ती की ही फैब्रिक में से ये पट्टी कट की थी। इस तरह से हम इसको बिल्कुल सफाई से सिलते जाएंगे और इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब मैं इसके साथ समोसा वाली लेस अटैच करूंगी। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी आपके अपने पसंद की लेस यहाँ पे लगा सकते हैं। ये मैंने अपने कुर्ती के ही फैब्रिक में मैच होती हुई और कुर्ती के डिज़ाइन में ही मैच होती हुई लेस ली है। इस तरह की लेस आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने ये कुर्ती की स्लीव के साइज़ की लेस कट कर ली है। अब इसको इसके ऊपर स्टिच करते जाएंगे। ये मैं एक ही साइज में ये लेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो दोनों कॉर्नर पर ये लेस लगा सकते हैं। तो इस तरह से सिलते हुए हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह की स्लीव बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। तो ये डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसकी
साइड वाली सिलाई भी लगा लूँगी और इसको अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको इस स्लीव को दिखाती हूँ ये बनने के बाद कैसी लगेगी। तो ये देखिए हमारी ये स्लीव बनने के बाद कुछ ऐसी लग रही है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।